ठीक है जी। पोजीशन 5 यहाँ पे हमने स्टिकी में पोजीशन 5 की थी ना। हाँ पोजीशन 5, दिस इज स्टिकी पोजीशन इन सीएसएस। और डिप को क्लोज कर लीजिए। उसके नीचे चाहे तो एक डिव ऑफ और डिफाइन कर लीजिए जो इनलाइन सीएसएस का, चाहे तो मत करिएगा। हम यहाँ पे कर देते हैं डिव, और आप भूलिएगा मत ये करते जाएगा स्टाइल। इनलाइन जब यूज करते हैं स्टाइल, और ये स्टाइल क्या है, पैडिंग। एक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी के अंदर यूज करिए। और पैडिंग में हमने दे दिया पैडिंग बॉटम, एक प्रॉपर्टी पैडिंग बॉटम करके, और 2000 पिक्सल ले लेते हैं। आपको मालूम है इनलाइन में इस तरह से दिया जाता है। और उसके बाद फिर आप एक पैराग्राफ दीजिए, उसको क्लोज कीजिए, एक पैराग्राफ दीजिए, दो तीन पैराग्राफ दे के, और ये डिव अभी आपका यहाँ पे क्लोज नहीं होगा। ये क्लोज होगा एकदम नीचे जाके, ये वाला तो क्लोज है, बट ये क्लोज नहीं होगा। ये जो ये पैराग्राफ ये दिया, ये पैराग्राफ ये दे दीजिएगा, और फिर एकदम नीचे यहाँ जाके पैराग्राफ के बाद वो पैराग्राफ दे दिया, फिर वो क्लोज करिएगा। ये हम हमारा क्लोज हुआ। डी तो एक बार ऊपर से फिर से देख लीजिए, दिस इज अ स्टिकी पोजीशन का डिप क्लास में डिफाइन किया। पोजीशन स्टिकी, टॉप में 0 होगा, बॉर्डर 3 पिक्सल होगा, ठीक है। सॉलिड ये कलर, बैकग्राउंड कलर इसका होगा ग्रीन। पैडिंग भी हम दे रहे हैं 5 पिक्सल। तो पहले हमारी क्लोज हेडिंग और ये सब कुछ भी देना होगा दीजिएगा, और एक पैराग्राफ पहले कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है। हमने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ को क्लोज करिए। नीचे पैराग्राफ जितना भी बड़ा बड़ा दीजिएगा तो पता चलेगा स्क्रॉल करने पे कि जो लोग लैपटॉप पे कर रहे हैं। और पैराग्राफ क्लोज करने के बाद अब डिव को जो ऊपर डिफाइन किया वो क्लास इज इक्वल टू पोजीशन 5, और ये छोटा सा कंटेंट लिखिएगा क्योंकि स्टिकी पोजिशन को हमको चेक करना है। तो बड़ा पैराग्राफ मत लिखिएगा, कल शफक या किसी ने दिखाया, शफक ने या किसने, तो वो बड़ा उसके अंदर यूज किया था। मैंने कहा छोटा छोटी लाइन एक यूज करिए, और वो क्लोज नहीं किया था शायद डिव को। दिस इज स्टिकी पोजीशन इन सीएसएस, ठीक है। ये दे दिया, और उसी के ठीक नीचे मैंने एक इसलिए और दिया है कि एक स्टाइल को और डिफाइन करिए कि हम दोनों से कंपैरिजन भी करा कि स्टाइल इज इक्वल टू, हमने डिव के अंदर ही किया, और ये हमने पैडिंग बॉटम, बॉटम की पैडिंग डिफाइन किया, पैडिंग बॉटम 2000 पिक्सल। अब ये किस लिए किया अभी आएगा। उसके बाद फिर आप एक दो तीन छोटा छोटा 3 पैराग्राफ दे दीजिए, एक ही बड़ा पैराग्राफ दिए हम, 2 पैराग्राफ दे रहे हैं। अब 2 के बाद फिर हम गिफ्ट दे रहे हैं आप लोग का, सेव किया। अब आगे ये हमारा फाइल की पोजीशन 5, दिस इज स्टिकी, ठीक है। अब ये आ रहा है यहाँ पे। अब जब आप इसको ऊपर से देखिए, एक पैराग्राफ है, ये बटन है, फिर एक पैराग्राफ है, फिर आप इसको स्क्रॉल जब कर रहे हो तो स्टिकी पे आगे देखिए वो रुक जा रहा है। अब बाकी कंटेंट स्क्रॉल हो रहे हैं, स्टिकी वहीं पे रुक जा रहा है। अब अगर हम ये एकदम ऊपर दे देते तो आपको पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, इसीलिए मैंने एक पैराग्राफ ऊपर दिया है। और ये जब आप इसकी लोकेशन चेंज करेंगे तभी इस पोजिशन की वैल्यू पता चलेगी। तो बहुत सीधा सा लग रहा है कि हाँ बड़ा सीधा सा, कुछ भी डाल के कुछ भी कर लें,
लेकिन नहीं, ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे भी डिपेंड करता है, किसकी पोजीशन कहाँ है, कंटेंट कहाँ पे है, कंटेंट के अंदर क्या लिखा है आपने। अब यहाँ पे दोनों ग्रीन ग्रीन हो गया, ये मैं बॉर्डर को अलग कर देता हूँ। इसका जो बॉर्डर थी फिक्स सॉलिड के बजाय ये कर देता हूँ पिंक कर देता। अब ये हो गया स्टिकी, ठीक है, दिस इज स्टिकी पोजीशन। अब ये ऊपर पैराग्राफ है, हम ऊपर जैसे सॉल्व कर रहे हैं, अब ये वहीं पे रुक गया स्टिकी वाला, देखिए वहीं पे रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि इसकी जो पोजीशन हमने डिफाइन की है एक्चुअल में वो ये है, देखिए टॉप पे 0, बॉर्डर पे बॉर्डर इसका 3 है, ठीक है। अब टॉप आप सोच रहे हैं 0 है तो कहाँ ये कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि जब ये स्टिकी काम करेगा तो इसकी टॉप पे वो 0 ही की मार्जिन होगी। अभी तो ये इसलिए यहाँ पे है क्योंकि हमने उसके ऊपर एक पैराग्राफ पेस्ट किया है। एक पैराग्राफ अगर ये नहीं रहता तो ये यहीं पे आता, और आप स्क्रॉल करते रहते ये वहीं का वहीं रहता। अब एक बार हटा के देखिए, आप ऊपर का पैराग्राफ हटा देती है, इसको जब करिएगा इसे हटा दीजिएगा। अब हम ये ऊपर का पैराग्राफ हटा देते हैं एकदम, एक हम हेडिंग दे देते हैं बस खाली, और थोड़ी देर के लिए हम ये पैराग्राफ यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, हेडिंग दिया, ये यहाँ गया पैराग्राफ नहीं ऊपर है। अब जब स्क्रॉल कर रहे हैं देखिए वो है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जिन हमने दूसरी स्टाइल दी है ये क्या चीज है, डिव स्टाइल इक्वल टू पैडिंग बॉटम 2000 पिक्सल। ये इसलिए है कि जब आप स्क्रॉल करके, हम देखिए स्क्रॉल करके नीचे आ रहे, कंटेंट हमारा यही खत्म हो गया है, लेकिन नीचे देखिए इतना स्पेस आ रहा है, ये देखिए स्पेस आ रहा है। ये स्पेस अभी तक आप एचटीएमएल में ब्रेक यूज करके ले आते थे, 50 बार ब्रेक कर दिया नीचे स्पेस हो गया। हमने यहाँ पे स्पेस इसलिए दिया है बॉर्डर पैडिंग करके 2000 दिया है, तो 2000 पिक्सल का ये पैडिंग आ गई है, ये पैडिंग है एक्चुअल में 2000। कंटेंट जहाँ खत्म होता है पेज स्क्रॉल नहीं होता है, ये आपको सब लोगों को क्लियर होगा कि जहाँ पेज खत्म हुआ मतलब कंटेंट खत्म हुआ, ये स्क्रॉल बार वहीं पे खत्म हो जाता है, उसके नीचे स्क्रॉल नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है कि एंटर की, यहाँ पे अगर आपको नीचे इतना कंटेंट जगह लानी है तो बी आर यूज करते हैं, ब्लैंक जो ब्रेक लाइन होती है, ये सबने किया है, सबको क्लियर है। ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पैडिंग, उसको पैडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं 2000 पिक्सल। अभी इसको कम कर दिए, 500 कर दिए, देखिए कम हो गया, ये बस इतना ही है, देखिए इतना ही है, और कम कर दिया 200 पिक्सल कर दिए, और कम हो गया बस यहीं पे। अब देखिए स्क्रॉल ये नहीं हो रहा है, और अगर ये हम हटा दें अभी मान लीजिए ये, इसको हम कर देते हैं कमेंट, अच्छा ये कमेंट यहाँ लेगा नहीं, ये कमेंट यहाँ कैसे काम करेगा, ये तो एचटीएमएल का है। कैसे कमेंट देते हैं एचटीएमएल में कौन बताएगा, शिवांगी आप बताओ। एंकर ब्रैकेट की हैं एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के, हाँ बिल्कुल, एंगल बहुत सही, ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के सब बिल्कुल कमेंट लिख। एंगल ब्रैकेट दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया, आप एक या दो दे दीजिए। अब यहाँ इसको हमको ऑफ करना है, तो नीचे आए, अभी देखो नीचे सबको उसने कर दिया है, तो ये देखो कमेंट हो गया। ये एचटीएमएल में कमेंट ऐसे देते हैं और सीएसएस में कमेंट ऐसे देते हैं, सब लोग क्लियर रहना चाहिए, छोटे क्वेश्चन ये आ जाएंगे, ट्रू फॉल्स में, कॉलम मैचिंग में, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ गया कि कमेंट सीएसएस में कैसे करते हैं, तो सीएसएस
स्लैश स्टार स्टार स्लैश कमेंट एचटीएमएल में कैसे करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क दो सिंगल वो। लेकिन एक चीज और बता दें अभी सीखे, एचटीएमएल 5 में हम ये भी यूज करते हैं, कमेंट सिंपली कमेंट, यहाँ पे कुछ लिखा तो कमेंट में यूज कर दिया। This is comment. बताएं। मालूम है किसी को? पर आप बताए थे। अच्छा बताए थे। हाँ। मुझे भी भूल गया, मैंने बताया था। तो हम क्या इसलिए क्लियर कर लिया कि छोटे क्वेश्चन इस सब पे आ जाते हैं। बहरहाल तो हमने यहाँ हम इसको कर रहे थे कि इसको हमने ऑफ किया ताकि वो हमारा ना आए। सॉरी ये यहाँ नहीं करना है ना, ये तो यहाँ करना है कमेंट को। इसको ऑफ करना था ना, इसको नहीं। अब ये देखिए जो नीचे स्पेस आ रहा था वो नहीं आएगा, खत्म, ये वहीं पे है। तो अब ये वहीं पे रख रहे हैं ना तो हमें पता नहीं चल रहा है। तो हमने वो पैडिंग के लिए इसको बना लिया था, कंटेंट ना देके स्क्रॉल कर, और इसलिए मैंने एक बार ये बता दिया कि आपको इन लाइन एलिमेंट इन लाइन सीएसएस मिलेगा। तो ये आपका हो गया स्टिकी पोजिशन का। जिन लोगों ने नहीं किया था वो ये कर लेंगे। वैसे कल उसने करके दिखाया था और शिवांगी का, तो मुझे लग रहा था कर लेंगी ये, और कर भी लिया उन्होंने। अब आ जाइए नेक्स्ट एक और है, वो इमेज के साथ हम यूज करते हैं इसी पोजीशन को। एक एग्जांपल इमेज का भी देना जरूरी, क्योंकि अभी तक आप कंटेंट को यूज कर रहे हैं। तो मैंने अब इसका नाम देता हूँ, फाइल को सेव एज करता हूँ, और इस फाइल का नाम पोजीशन 6। इसकी पोजीशन हम डिफाइन करेंगे इमेज के लिए, क्योंकि इमेज पे हमको यूज करना है। तो आईएमजी पोजीशन, इसको हम एब्सोल्यूट दे रहे हैं, एब्सोल्यूट ही पे करके देख लीजिए। दूसरे पे भी कर सकते हैं बट एब्सोल्यूट इज द सबसे बेटर यूज करने के लिए। लेफ्ट में दे दिया आप 0, टॉप में दे दिए 0, और यहाँ पे अब एक चीज आप और यूज करेंगे, ये एक वैल्यू है जेड इंडेक्स। तो क्या चीजें हैं ये अभी जब आउटपुट में बताएंगे। उसकी वैल्यू माइनस और प्लस दोनों में होती है, तो उसकी जेड इंडेक्स, और हम इसकी वैल्यू जो भी माइनस का बस इतनी कीजिए। पोजिशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट मार्जिन 0, टॉप में 0, 0 पिक्सल पूरा कर दीजिए, 0 पिक्सल 0 पिक्सल, और जेड इंडेक्स हमने दे दिया। ये ऑफ कर दीजिए, ठीक है, मैंने ये ऑफ कर दिया। ये तो हटाई दिए, इसकी जरूरत नहीं है, पीछे वाली फाइल में आ गया। अभी मैं ये पैडिंग और बैकग्राउंड नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना देख के दिखा रहा हूँ आपको। स्टाइल को क्लोज करिए, बॉडी में आइए, अब यहाँ पे कोई H1 दे दिएगा, फिर आइए इमेज, यहाँ पे आप यूज करिए आइए, और IMG को आप जो है SRC IMG SRC देंगे,
एसआरसी में हम लोग इमेज कहाँ पे रख रहे थे, यहीं पे तो ले लिया, मान लिया हमने ले लिया S1, S1 PNG है, CSS इमेज का है। ठीक है, हमने इमेज दे दिया, इमेज को ये क्लोज किया, ये हटा दीजिए क्लास से। फिर एक पैराग्राफ है आपका, ये आपने पैराग्राफ ये दिया हुआ है, पैराग्राफ है यहाँ भी पहले से। ये पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, पैराग्राफ दिया और फिर बॉडी, इनका भी पैराग्राफ है, ये इसके नीचे कुछ और नहीं ना, ये हटा दिया भी। अब आए यहाँ पे और हमारी जो फाइल है पोजीशन क्या थी, सिक्स। अब आप ये देखिए इमेज यहाँ पे आई, ठीक है, सिक्स पोजीशन पे ये इमेज। हम स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर हमारा कंटेंट ये और होगा, और ये देखिए आपकी इसकी जीरो जीरो टॉप हो गई, जीरो लेफ्ट हो गई, और जेंडर इंडेक्स यहाँ पे हमने ये जो दिया हुआ है कि ये यहीं पे शुरू हो रही है, तो इसको घटाइए बढ़ाइएगा आप अपने पेज पे तो देखिएगा इसका फर्क दिखेगा। ठीक है, तो हम इमेज को भी पोजीशन कर सकते हैं, और ये पोजीशन देखिए जो मेन चीज क्या है, हमने -1 जो किया है तो -1 की वजह से ये इमेज बैकग्राउंड में चली गई है और कंटेंट आपका ऊपर है। ठीक है, अगर हम इसको ये जेड इंडेक्स का मतलब ये हुआ, अगर हम इसको 1 करते हैं आप देखिए ये ऊपर आ गई, ठीक है, और टेक्स्ट हमारा पीछे चला गया, तो ये है जेड इंडेक्स का रोल। तो जब आप जेड इंडेक्स को यूज करिएगा, अच्छा जो लोग ऑनलाइन करेंगे वो लोग वही इमेज का पाथ यूज कर लेंगे, जो ऑनलाइन इमेज मैंने प्रोवाइड की थी शिवली का वही लगा के कर लेंगे, एसआरसी यहाँ पे वही यूज कर लेंगे, तो उनका वो दिख जाएगा। एक बार -1 कर लिए, एक बार जो है +1 कर लीजिए, तो दोनों का फर्क वो दिख जाएगा। लेफ्ट जीरो टॉप जीरो ही तो आप देख ही रहे हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन ये भी चाहिएगा तो अलग अलग सब में चेंज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आप लोग टेक्स्ट की पोजीशनिंग कर रहे थे, अब आप इमेज की पोजीशनिंग भी कर लीजिए, साथ ही साथ आप जेड इंडेक्स को भी कर लीजिए, क्योंकि अब इमेज और टेक्स्ट का रोल ऐसा हो जाता है कि आगे पीछे का मामला ये हो जाता है कि फ्रंट पे रहेगा ये पीछे रहेगा। अब जाहिर है कि बैकग्राउंड ही में रखते हैं, फ्रंट पे रख देंगे कंटेंट हमारा छुप जाएगा, तो जेड इंडेक्स का रोल माइनस में ही है। अब इसकी पोजीशन आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, मान लीजिए लेफ्ट कर दीजिए, और इसको राइट कर लीजिए, बल्कि इसको कर लीजिए राइट, और तो यहाँ हो गया। ठीक है, आपको दो लगाना, दो एक और इमेज दे रहे हैं, मान लीजिए यही इमेज एक और दे दीजिए कहीं पे इसी, ठीक बात। ठीक है,